तीन वर्ष बीत जाने पर भी घरों का काम अधूरा, आवास अब ग्रामीणों के लिए बस एक सपना। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। अब ये खबर चौंकाती नहीं है कि आवास का सपना दिलाकर ग्रामीणों को बहला फुसला दिया जाता है। इस सपने को पूरा कराने के लिए कई योजनाएं भी बनाई जाती हैं। यदि हम नाम दें तो इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ का तो नामो निशान नहीं है। और पीएम आवास योजना वर्ष 2016-17 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू की गई, जिसकी सबको आवास दिलाने की मंशा धरी रह गई। 2022 तक दोनों क्षेत्रों की योजनाओं को पूरा करने के आदेश से पारित यह योजना 25,000 से अधिक गरीब परिवार को आवास का सपना आज तक पूरा नहीं कर पाई है। सूची में नाम न होने के बावजूद शहडोल शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हितग्राही चिन्हित भी किए जा चुके हैं, जिनका नाम भी सर्वे के बाद जोड़ा गया है। यदि हम 2011 की बात करें तो कई जनगणना के मुताबिक योजना लाभार्थियों को चयन किया गया था, जिसमें 1,05,720 से अधिक लोगों का आवास बनना था। स्पेशल बैगा प्रोजेक्ट में 5,700 आवास भी मंजूर हुए, लेकिन अब तक केवल 60 ही पूरे हुए हैं। और जिनका आवास स्वीकृत भी कर लिया गया है, वो भी काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। वार्ड क्रमांक 30 की महिला, जिनके पति राजेंद्र बैगा विकलांग है, वो बताती है कि कई बार इस पर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन आज तक यह काम अधूरा का अधूरा पड़ा है। अब आवास न मिलने के कई कारण जो सामने निकल करके आए हैं, उनमें से एक है सिस्टम का भ्रष्टाचार। सरपंच सचिव की मिलीभगत और लोहा के दामों में बढ़ोतरी, जिस कारण किश्त मिलने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जब मुख्यमंत्री नपाधिकारी शहडोल अमित तिवारी से इसके चलते पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बजट के चलते कई बार किश्तें समय पर जारी नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब व्यवस्था में खासा सुधार हो चुका है। सभी लाभार्थियों को आवास की सुविधा मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक भेजा गया यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है। और उम्मीद यही होगी कि हर बार की तरह प्रशासन ग्रामीणों को न केवल सपना दिखाए बल्कि उन पर अमल करने का भी प्रयास करे। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।